बाजार में 1,000 के रुपए के नोट दोबारा आने वाले हैं। 2,000 के नोट बंद होने वाले हैं। 2,000 के नोट को वापस करने के लिए केवल 10 दिन का समय ही मिलेगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा एक वीडियो में दावा किया जा रहा है। पहले आपको इस वायरल खबर के बारे में बताते हैं और फिर आपको बताएंगे कि क्या इसके पीछे सच्चाई भी है या महज एक अफवाह है। वायरल हो रही खबर के दावे के मुताबिक सरकार ने 1 जनवरी 2023 से 1,000 के नोटों को दोबारा मार्केट में लाने की योजना बनाई है। वायरल मैसेज में लिखा है कि 1 जनवरी से 1,000 का नया नोट आने वाला है और 2,000 के नोट बैंक वापस लौट जाएंगे। आपको सिर्फ 50,000 रुपए जमा करने की इजाजत होगी और ये इजाजत भी सिर्फ 10 दिन तक होगी। इसके बाद 2,000 के नोटों का कोई मोल नहीं होगा। 2,000 के नोट बिल्कुल कूड़ा हो जाएंगे, इसलिए 2,000 के नोट अपने पास मत रखिए। बता दें कि ये खबर बाजार में आग की तरह फैल रही है। लोग इसको लेकर पूरी तरह असमंजस की स्थिति में हैं। क्या करें और क्या ना करें वाली हालत हो गई है। लोग चिंता में हैं और जिनके पास 2,000 के नोट है वो घबरा रहे हैं और जिसके पास नहीं है वो लेने से कतरा रहे हैं। डर दोनों तरफ बराबर है और फिर से नोटबंदी का ख्याल आ रहा है। इस बीच लोगों को एक बार फिर से नोटबंदी की याद आ रही है। आपको बता दें 2016 में नोटबंदी में 1,000 के नोटों को सर्कुलेशन से हटा दिया था। ऐसा ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए किया गया था। इसी साल सरकार ने 2,000 के नोटों को बाजार में पेश किया था। हाल ही में सरकार ने एक संसद के सवाल के जवाब में कहा था 2,000 के नोटों की छपाई के लिए 2018 और 19 में कोई नया ऑर्डर नहीं दिया गया है। इसे आसान शब्दों में समझा जाए तो 2,000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई है। तो वहीं नजर डालें वायरल मैसेज पर तो भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट फैक्ट चेक संस्था PIB फैक्ट चेक ने जब वायरल मैसेज की जांच पड़ताल की तो सामने आया वो आपके होश उड़ा देगा। इस जांच पड़ताल में आया कि ये दावा बिल्कुल झूठा है, गलत है, ये बस एक अफवाह है, ये दावा बिल्कुल फर्जी है। आगे स्पष्ट करते हुए बताया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा 2,000 के नोट को बंद करने का कोई भी फैसला सरकार ने नहीं लिया है। तो आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और सावधान रहिए ऐसे झूठे मैसेज से। धन्यवाद।